पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब फरुखाबाद के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। फरुखाबाद का ये हमारे ठीक पीछे शहरी इलाका है, जहां काशीराम कॉलोनी बनी हुई थी, वहां पर जो है अब गंगा जी में जो बाढ़ आई हुई है उसका असर अब काशीराम कॉलोनी में भी देखने को मिल रहा है। वहां के लोकल के लोग जो रहने वाले हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से पानी में चलकर जो है इधर बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक इसके पीछे अगर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि लगभग कमर से ऊपर जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक इसके पीछे कॉलोनी के पीछे अगर जाएंगे तो गांव का इलाका पड़ता है, पूरी तरह से वो जो एरिया है वो पूरा डूब चुका है और कुछ लोग जो अंदर हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जो लोग भयभीत हैं वो इस समय ठीक पीछे देखिए कई लोग हैं यहां पर कॉलोनी से बाहर निकल आए हैं और बाहर खड़े होकर पूरा जो है स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे ठीक पीछे देखिए कॉलोनी के आसपास जो है पूरा एरिया जो है इस समय बाढ़ में जो है डूबा हुआ है। तस्वीरों में आप सब कुछ देख रहे होंगे और ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही होंगी कि आखिर जो है किस तरह से बाढ़ का प्रकोप अब फरुखाबाद के शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठीक पीछे देखिए दो लोग हमारे आ रहे हैं, ये देखिए ये बाढ़ के पानी से गुजर के आ रहे हैं, शायद यहीं रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आप यहीं रहते हैं क्या? क्या कहा कितना पानी है अंदर अंदर पानी चल के आ रहे हैं आप? पानी इतने तक है घुटनों के ऊपर तक। घुटनों से ऊपर कब आया ये पानी? ये पानी जुमेरात को आया था। क्या व्यवस्था है कुछ शासन प्रशासन? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बिजली की क्या व्यवस्था? ना बिजली की व्यवस्था ना कुछ नहीं व्यवस्था है। कोई शासन प्रशासन से कोई मांग की आपने? मांग क्या था, मांगे या आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? सारी कोई नहीं आ रहा है, सारी चीजें सबको मालूम है कि यहाँ बाढ़। अच्छा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है यहाँ पर, कई परिवार यहाँ पर रह रहे हैं जी, भयभीत होंगे निश्चित तौर। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये हमारे साथ में एक महिला है, आप बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत परेशानी हो रही, परेशानी हमारे ऐसे है यहाँ तलक कमर तलक पानी है, ना आटा खाने को कुछ भी, ऐसे समझो बहुत दिक्कत। काफी भयभीत नजर आ रही है। हाँ आ रही। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? जुमरात से भरा हुआ है। तो ये देखिए हमारे साथ में एक लेडीज थी, वो बता रही थी कि बृहस्पतिवार से यहाँ पर लगातार पानी बढ़ रहा है और पूरी कॉलोनी में तकरीबन 1000 परिवार होंगे वो पूरे जो है इस समय बाढ़ के पानी से पूरी जो बिल्डिंग है और जो परिवार हैं वो घिरे हुए हैं। लोग और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं और शासन प्रशासन कितनी उनकी मदद कर रहा है। भैया आप यही रहते हैं जी? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे बहुत ही परेशानी है, देखो हाथ में चप्पल है, ना खाने को ना पीने को कुछ नहीं है। शासन प्रशासन कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। आप बताइए भैया आप क्या स्थिति आ रही है? अरे इन बहुत पानी भरा, जब से ना बत्ती है ना कछु है, मच्छरों खाया, सांप नहीं रहे, आ रहे तकलीफ है बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा, जब से पानी आया हुआ 4 दिन ही गए, लगातार पानी पहाड़ी इलाकों से छोड़ा जा रहा है। भाई आए रहो भाई भी नजर आ रहे हैं? हाँ भाई आए रहो, दिक्कतें हो रही है। अरे बहुत मुसीबत, सब देखो ना सब पानी पानी दिखाई पड़ो चारों बद्दी। ये देखिए काफ़ी भयभीत यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं काफ़ी दिक्कतें हैं, ना तो खाने पीने का कोई सामान है और ना किसी प्रकार की कोई भी सुविधा है। बिजली तकरीबन काट दी गई है? भैया हाँ बिजली पहले ही कट गई थी, 1 दिन पहले ही काट दी गई थी। 5 दिन हो गए बिजली कटे हुए, पानी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत, पानी काफ़ी बढ़ रहा है। शासन प्रशासन से कोई बात कोई आपकी? कोई आए नहीं अभी, कोई नेता कोई अधिकारी कोई कोई, कोई नहीं आया, कोई सुध लेने नहीं आया, कोई नहीं आया। देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर कोई भी उनकी सुध लेने को नहीं आया है। तकरीबन 1000 लोगों का परिवार यहाँ पर रहता है और अपना जीवन यापन करता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो है यहाँ पर पानी बढ़ रहा है, गंगा का जलधारा बढ़ रही है, उसके बाद शहरी इलाकों में भी पानी ने अंदर शहर के अंदर आना अब शुरू कर दिया है। लोग जो यहाँ पर बता रहे हैं कि खाने पीने से लेकर किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं है और भयभीत लोग जो है कॉलोनी से बाहर निकलकर ऊंचे स्थान पर खड़े हुए हैं। ठीक पीछे हमने एक बार और आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो लोग हैं वो पानी से बाहर निकलकर आ रहे हैं और ऊंचे स्थान जहाँ पर पानी नहीं है अभी वहाँ पर लगातार जो है लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही होंगी कि किस तरह से लोग जो परेशान हैं, शायद शासन प्रशासन इनकी सुध लेगा और इनको जो है निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन मोहित के साथ पुनीत मिश्रा, UPTV न्यूज़, फरुखाबाद।